जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 95 लोगों की सुनी समस्याएं, वहीं अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 95 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कटिहार जिले से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि अपने जमीन में मकान का एक्सटेंशन करना चाह रहा हूं, लेकिन पड़ोसी द्वारा एक्सटेंशन करने नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बेगूसराय जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर मुझे तंग किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मधेपुरा जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि मेरे ही जमीन को दलालों ने किसी तरह बेच दिया है और उस पर अवैध तरीके से मकान का निर्माण कर लिया गया है। इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बांका जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे निजी जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसकी शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं बांका जिले से ही आए एक वृद्ध ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और इसकी शिकायत करने जब थाने में जाता हूं तो मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं गोपालगंज जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि मेरी बहन की दहेज के कारण हत्या कर दी गई है। थाने में शिकायत करने पर भी अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सिवान जिले से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि थाना में मामला दर्ज है। वर्ष 2021 से विपक्ष द्वारा केस को हटाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर केस को नहीं हटाया गया तो जान से मार दिया जाएगा। वहीं सिवान जिले से ही आए एक अन्य युवक ने कहा कि मैं अपने कच्चे मकान को पक्का करवाना चाह रहा हूं, लेकिन पड़ोसी द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है जिससे मैं पक्कीकरण नहीं करवा पा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कैमूर जिले से आए एक वृद्ध ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे घर को नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में केस दर्ज कराने के लिए टाल मटोल कर परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए भी संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सारण जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी निजी जमीन को हथियार के बल पर कब्जा कर लिया गया है। इसको छुड़ाने के लिए दौड़ रहा हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए भी संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही बता दें कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता, खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव, मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री श्री सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री आर एस भट्टी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा उपस्थित थे।